हेलो गाइज, वेलकम टू एटवनपुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में झारखंड का जो पुरस्कार और सम्मान जितने भी व्यक्तियों को मिला है 2020 से लेके 2022 तक, उसको संपूर्ण विश्लेषण के साथ एमसीक्यू के फॉर्म में आज के इस वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चंस जो हैं वो हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में पूछे ही जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवंकुरन। आपके लिए पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया है? ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोज कुमार सिंह। आइए मनोज कुमार सिंह के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। झारखंड के जमशेदपुर के गोलमोरो स्थित हिंदुस्तान मित्र मंडल स्कूल में ये गणित के शिक्षक हैं, ठीक है। मनोज कुमार सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? जमशेदपुर के रहने वाले हैं। किस स्कूल से रिलेटेड हैं? तो हिंदुस्तान मित्र मंडल स्कूल से। और किस चीज के टीचर हैं? तो गणित के शिक्षक हैं, मैथमेटिक्स के, ठीक है। इस पुरस्कार के लिए 2021 में देश भर में 44 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें कि एक शिक्षक झारखंड से भी हैं जिनका नाम है मनोज कुमार, ठीक है। तो ये है इसके कुछ डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं, नागार्जुन सम्मान 2021 से सम्मानित किसे किया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं हनुमान सिंह, अरिंदम बनर्जी, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्रपति, या फिर ऑप्शन डी भुवनेश्वर अनुज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्रपति। आइए ज्ञानेंद्रपति के बारे में कुछ जान जाते हैं। इन्हें नागार्जुन सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म जो हुआ है 2050 में गोड्डा के पत्थरगामा में हुआ है, ठीक है। ज्ञानेंद्रपति को वर्ष 2006 में संशयात्मा कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये इसके कुछ उनके जो कविता का संकलन है वो है आंख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए यह कागज बना है, गंगा तट, संशयात्मा, ठीक है। और इसके अलावा पढ़ते गढ़ते, एक चक्र नगरी, कवि ने कहा, ये भी पुस्तक प्रकाशित हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट एक्शन प्लान ओरिएंटेड सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा स्टील। आइए इसके कुछ डिटेल्स को देखते हैं। टाटा स्टील को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने ऊर्जा, माइनिंग व भारी उद्यम श्रेणी में क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम 2.0 के लिए ओरिएंटेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम 2.0 जलवायु के प्रति लचीला होने के लिए व्यवसायों को लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सेलेंस के लिए CII द्वारा प्रोत्साहित किए जाने वाला सम्मान व क्षमता वर्धन कार्यक्रम है, ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं जो आगे जाके खत्म हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कोयला खत्म हो रहा है, पेट्रोलियम खत्म हो रहा है, तो इसको हम लोग आज के समय भी यूज करें और अगले आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखें, तो उसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसा डेवलपमेंट कि आप ही के समय भी डेवलपमेंट हो, विकास हो, रिसोर्सेस का यूज हो, और उस रिसोर्सेस को हम लोग प्रिजर्व करके अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखें, तो उसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी या स्टेट पीसीएस की जो भी तैयारी कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसिता करकेट्टा को जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए जनसिता करकेट्टा के बारे में कुछ जानते हैं। इनका जन्म जो हुआ है वो पश्चिमी सिंहभूम जिलों के खुदपोष गांव में हुआ है, ठीक है। अच्छा, इनकी जो पहली किताब थी वो 2016 में आदिवाणी प्रकाशन कोलकाता से हिंदी और अंग्रेजी में छपी थी, ठीक है। और उस किताब का क्या नाम था? जड़ों की जमीन को हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन में एक साथ प्रकाशित किया गया है, ठीक है। और ये जो जड़ों की जमीन जो प्रकाशन हुआ है इसका, वो एक साथ किसी भी आदिवासी कवि को का रचना को तीन भाषाओं में पहली बार प्रकाशित किया गया है। इससे पहले कभी भी प्रकाशित नहीं हुआ है तीन भाषाओं में किसी भी आदिवासी कवि की कविता, ठीक है। तो इस बात को आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। जनसिता करकट्टा का ये डिटेल्स है जो मैंने आपके सामने रख दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेलेंस सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय को सम्मानित किया गया है, ठीक है। संजय के बारे में डिटेल्स आप लोग थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुकुल प्रसाद सिन्हा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है?
तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान। डॉक्टर वर्गीज के बारे में आप लोग जानते होंगे, वर्गीज कुरियन के बारे में, दूध की क्रांति लेके आए थे ये, श्वेत क्रांति में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आइए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। झारखंड सरकार के गव्य विकास निदेशालय के पूर्व सहायक। गव्य विकास क्या है? जो गौ, मतलब कि गौ संरक्षण हो गया या गौ डेवलपमेंट हो गया, डेयरी हो गया, उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है उसी को गव्य विकास डिपार्टमेंट कहते हैं ना। तो गव्य विकास निदेशालय के पूर्व सहायक निदेशक मुकुल प्रसाद सिंह को डेयरी डेवलपमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये कब दिया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस के में, वर्ल्ड डेयरी डे जब मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। ये सारे के सारे आपके करंट अफेयर्स हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पे इन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये वर्तमान में कोडरमा जिला में गव्य विकास पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। कौन? मुकुल प्रसाद सिंह। तो ये उनके डिटेल्स हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस पंचायत को पंचायती राज सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुंडू पंचायत को पंचायती राज सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका कुछ और डिटेल्स को भी देखते हैं। झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार की बुंडू पंचायत को बाल हितैषी पुरस्कार मिला है, ठीक है। और गिरिडीह जिले के बिरनी को कपिलो पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड मिला है, ठीक है। और गिरिडीह जिले का बिरनी पंचायत का, मतलब बिरनी का बांगर कला पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इस तीनों से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर एस के घोषाल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राइस ऑफ भारत अवार्ड 2021 से इनको सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर एस के घोषाल कौन है? तो रांची यूनिवर्सिटी में ज्योतिष के प्रोफेसर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनिरुद्ध सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैच ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बैच ऑफ ऑनर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनिरुद्ध सिंह को सम्मानित किया गया। अनिरुद्ध सिंह कौन है? तो रांची सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड में ये डायरेक्टर हैं और कोरोना महामारी के समय ये काफी उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उसके लिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। किस सम्मान से? बैच ऑफ ऑनर अवार्ड से। किसे किया गया है? तो अनिरुद्ध सिंह को किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपराजिता सम्मान 2021 से सम्मानित किसे किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं, जमुना देवी, संजय तिर्की, सुमन पूर्ति, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमन पूर्ति को अपराजिता सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये कौन है? तो चैबासा के मझगांव के कांटाबिला गांव की रहने वाली हैं और तीरंदाजी सेंटर फॉर एक्सीलेंसी की कैडेट हैं सुमन पूर्ति, ठीक है। सुमन को तीरंदाजी के लिए कोलकाता में अपराजिता सम्मान से 20 दिसंबर को नवाजा गया और यह सम्मान प्रत्येक वर्ष खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निनाद सम्मान 2021 से सम्मानित किसे किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधु मंसूरी हंसमुख को। मधु मंसूरी हंसमुख काफी चर्चित और नामी व्यक्ति हैं, इनके बारे में आप लोग ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी इनका कुछ मैं डिटेल्स आपको दे दिया हूं कि 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 2011 में ऑलरेडी इनको झारखंड रत्न नहीं मिला, रत्न मिल चुका है। 1948 में सिमलिया रातू रांची में ये जन्म लिए थे, ठीक है, और वे 8 साल की उम्र से ही लोकगीत लिख रहे हैं और गा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी के समय जो इनको जो सम्मान निनाद सम्मान मिला है, ये साहित्य उत्सव लिटोरिया 2020 में 20 दिसंबर को उन्हें यह सम्मान दिया गया, ठीक है। तो ये क्या है कि कोलकाता की साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था है नीलांबर, तो यही संस्था जो है उन्हें निनाद सम्मान दे रही है। तो ये सारे डिटेल्स हैं, ये सबको आप लोग नोट डाउन कीजिए या पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा, तो उससे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। राम मनोहर लोहिया स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुज सिन्हा को राम मनोहर लोहिया स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अनुज सिन्हा कौन है? तो अनुज सिन्हा पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक हैं। तो ये इनका कुछ डिटेल्स है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भंवर लाल सिंघी स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्या अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, दिव्या अग्रवाल किस क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया? शोध कार्य के लिए ये अवार्ड दिया गया है और दिव्या अग्रवाल जमशेदपुर की रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शालवी सिंह को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? देखिए, होता है एक्चुअली एंटरप्रेन्योर, ये फ्रेंच वर्ड है, एंटरप्रेन्योर ऐसे बोला जाता है। अच्छा, ब्रिटेन के लोग जो अमेरिकन लोग हैं वो बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इसीलिए हम लोग भी उसी को फॉलो करते हैं, तो हम लोग भी वही लिखते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सालवी सिंह। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? उद्यमिता, मतलब कोई अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर रहा है, तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसके लिए दिमाग लगा रहा है, तो उसी को कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। जैसे कि हम लोगों में कैसे है कि हम लोग सरकारी नौकरी में बहुत जोर देते हैं, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे। ठीक है, माने हम लोगों में कहावत यह है, नौकरी करो सरकारी नहीं तो बेचो तरकारी। लेकिन फॉरेन में, वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई एंटरप्रेनर है, कोई छोटा सा बुटीक खोले हुए, कोई छोटी सी कोई दुकान है, उसकी खुद की दुकान है, तो उसको लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो आइए सालवी सिंह के बारे में जानते हैं कि ये अवार्ड कैसे सम्मानित किया गया है, मतलब इस अवार्ड से। तो रांची के मोराबादी की रहने वाली हैं सालवी सिंह, उनको ऐसा पैकर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला है और यह सम्मान हासिल करने वाली वो पहली भारतीय बनी है। इसके तहत जो है सालवी को यूएस की लिहाई यूनिवर्सिटी की ओर से एक वर्ष के एमबीए प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, सत्र 21 से 22 के लिए लिहाई यूनिवर्सिटी की ओर से स्कॉलरशिप के तौर पर उनको $18,000 यानी कि 13,20,000 रुपया मिलेगा उनको। ठीक है, अच्छा, सालवी ने यह स्कॉलरशिप जीमेट परीक्षा पास करके हासिल किया है और जीमेट में उसने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए विश्व के टॉप 20 बी स्कूल, बी स्कूल का मतलब कि बिजनेस स्कूल जिससे एमबीए एमबीए कराया जाता है, में आवेदन करने में सफल रही थी। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ज्योति प्रकाश रंगमंच सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रदेव सिंह। चंद्रदेव सिंह के बारे में जान लेते हैं कि भारतीय लोक कल्याण संस्थान के सचिव हैं चंद्रदेव सिंह, को स्वर्गीय ज्योति प्रकाश स्मृति रंगमंच मित्र सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और उन्हें यह सम्मान पलामू में आयोजित एक कार्यशाला में सांसद विष्णु दयाल एवं उपायुक्त शशि रंजन ने दिया है। झारखंड की कला और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए गए विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, ये उनके डिटेल्स हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बेस्ट पैथोलॉजी वर्कर का राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर एम के गुप्ता। ठीक है, प्रोफेसर एम के गुप्ता कौन है? तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। आगे बढ़ेंगे। श्रीनिवास पानूरी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचम महतो एवं शिवनाथ प्रमाणिक को इससे सम्मानित किया गया है। ये नाम आप लोग याद रख लीजिएगा और इनके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है, श्रीनिवास पानूरी के बारे में। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसका डिटेल्स हम लोग कुछ देख लेते हैं कि श्रीनिवास पानूरी जो है, कालिदास की जो रचना थी ना मेघदूतम, ये बहुत ही चर्चित रचना है कालिदास की मेघदूतम। ठीक है, तो उसका अनुवाद और संकलन कोरठा भाषा में किया है। ठीक है, किन्होंने किया था? तो श्रीनिवास पानूरी ने किया था। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे अभी अवार्ड प्रदान किया जाता है। कौन सा अवार्ड? श्रीनिवास पानूरी स्मृति साहित्य सम्मान। तो किसको किसको मिला है? पंचम महतो एवं शिवनाथ प्रमाणिक को मिला है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रफुल्ल सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? ठीक है, अभी हाल ही के समय में प्रफुल्ल सम्मान से आपको राम उचित सिंह एवं शकुंतला मिश्र को सम्मानित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम उचित सिंह एवं शकुंतला मिश्र। अच्छा, यहाँ ऑप्शन ये डी दिखला रही है, गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम उचित सिंह और शकुंतला मिश्र को। प्रफुल्ल सम्मान के बारे में आप लोगों को जानना होगा कि प्रफुल्ल दा का पूरा जीवनी जो है, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी एडो अंकुरण चैनल में अपलोड किया जा चुका है, उसको आप लोग देख लीजिए। ये नागपुरी भाषा के उत्थान के लिए बहुत ही काम किए हैं
और नागपुरी भाषा के बहुत चर्चित रचयिता रहे हैं, मतलब कि लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं प्रफुल्ल। ठीक है, चलिए तो इन्हीं के नाम पे आपको ग्रेजुएशन में बनकेवरा भाग एक में आपको पढ़ना भी है, प्रफुल्ल दा एक नज़र। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमितेश सिन्हा को ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमितेश सिन्हा डोरंडा निवासी हैं और इंडियन अचीवर्स फोरम ने ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें वित्तीय क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों और उपलब्धियों के लिए दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल फेदर्स अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरिजीत डे को नेशनल फेदर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए सब अवार्ड का नाम जो है ना अजीब अजीब सा है, तो इस तरह की चीजों को आप लोग जरूर से नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब उनके बारे में जान लेते हैं कि मुंबई के प्रवासी, मुंबई प्रवासी मतलब कि अरिजीत जो थे ना पहले झारखंड के रहने वाले थे, ये मूल रूप से रांची के रहने वाले हैं और अभी शिफ्ट हो गए हैं मुंबई में, तो इसीलिए लिखा गया है मुंबई प्रवासी। अरिजीत मूल रूप से रांची के हिंदपीढ़ी मोहल्ले के निवासी हैं, जो सेंट जेवियर कॉलेज रांची के पूर्व छात्र अरिजीत डे को 30 अप्रैल 2021 को मुंबई में नेशनल फेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल फेदर अवार्ड देश के उभरते प्रतिभाशाली उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्र में उनके हुनर को देखते हुए दिया जाता है। ये उद्यमी मतलब कि बिजनेस पर्सन को, ठीक है, उनका जो जितना भी जो टैलेंट है उसको देखकर नेशनल फेदर्स, इसीलिए इसका नाम दिया गया। जैसे फेदर का मतलब क्या होता है, जो पंछी है उसका जो पंख निकलता है ना, पर निकलता है, उसी को हम लोग कहते हैं फेदर अंग्रेजी में। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है ये अवार्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोल्डन एम अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हनुमान प्रसाद शर्मा। ठीक है, तो गोल्डन एम अवार्ड से डॉक्टर हनुमान प्रसाद शर्मा को सम्मानित किया गया है। इनके बारे में कुछ डिटेल, डॉक्टर हनुमान प्रसाद शर्मा को शोध और शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए गोल्डन एम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर हनुमान प्रसाद शर्मा सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति हैं। ठीक है, ये इनके डिटेल्स हैं। आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल एंड इंटर्नशिप अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इशिता श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स, मिटेक्स और बोटैन रेयरसन यूनिवर्सिटी टोरंटो की ओर से इशिता श्रेष्ठ का चयन ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप अवार्ड 2021 के लिए किया गया है। यह अवार्ड मिटेक्स और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से संयुक्त रूप से दिया जाता है और इसके तहत इशिता रेयरसन यूनिवर्सिटी टोरंटो के शोध प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे। ठीक है, जो रिसर्च होगा ना तो उसमें हिस्सा लेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया है? ये आपके ऑप्शन से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छुटनी देवी। पद्मश्री पुरस्कार हो गया, पद्म विभूषण हो गया, इससे रिलेटेड मैं एक स्पेशल आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें कि झारखंड के कितने लोगों को अभी तक पद्मश्री पुरस्कार मिला है, क्यों मिला है ये पुरस्कार, ये सारा डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं कि छुटनी देवी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि झारखंड की सरायकेला खरसावां जिले के बीरबांस गांव की रहने वाली हैं और 2014 में काला सच द डार्क ट्रूथ नाम से एक फिल्म भी आई है इनके नाम पे। इस फिल्म में छुटनी के संघर्ष भरे जीवन के बारे में बतलाया गया है। देखिए डाइन प्रथा से के उन्मूलन के लिए इन्होंने बहुत काम किया है छुटनी देवी, छुटनी महत्वाइन भी इनका नाम है। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा, सिर्फ छुटनी देवी ने छुटनी महत्वाइन भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं, मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और 2014 में इन्हीं के जीवन पे एक मूवी आया है काला सच द डार्क ट्रूथ, तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति विशेष सेवा पदक से सम्मानित किसे किया गया है? ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारसनाथ ओझा। इसके बारे में जान लेते हैं, टेररिस्ट स्क्वाड के स्टेनो ASI पारसनाथ ओझा का चयन विशिष्ट सेवा पदक के लिए किया गया है। पारसनाथ ओझा निमेज गांव के निवासी हैं और झारखंड पुलिस में कार्यरत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री लाल शुक्ल साहित्य सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणेंद्र। रणेंद्र के बारे में हम लोग ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, ये IAS ऑफिसर हैं। IAS के कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं कि श्री लाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान 2011 में शुरू हुआ था
और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष हिंदी के ऐसे लेखक को दिया जाता है जिसकी रचनाओं में मुख्यतः ग्रामीण और कृषि जीवन तथा हाशिए के लोग और विस्थापन से जुड़ी समस्याओं को चित्रित किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग जान लिया, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि श्री लाल शुक्ल स्मृति सम्मान क्यों दिया जाता है। तो ये सारा डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दिया है। अगला पॉइंट है कि झारखंड के आईएएस वो डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान के जो डायरेक्टर है, निदेशक हैं रणेंद्र, उनको साल 2020 में श्री लाल शुक्ल साहित्य सम्मान मिला है। रणेंद्र के बारे में इनका जो गायब होता हुआ देश नाम की जो रचना है, एक बुक है, वो 10 सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में भी शामिल है। इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यह सबसे ज्यादा दिए जाने वाला नगद पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? श्री लाल शुक्ल स्मृति साहित्य पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविता कुमारी को। सविता कुमारी के बारे में रांची के सोनाहातू प्रखंड के टंगटंग निवासी अध्यक्ष प्रसाद गोंजू और किरण देवी की सुपुत्री हैं सविता, ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विश्व मतलब की विद्यालय में पढ़ते हुए सविता ने पहली बार 2014 में तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। ठीक है, ये इसका कुछ डिटेल्स था, मैंने आपके सामने रख दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोभा हांसदा को मिला है। क्या मिला है? तो बाल साहित्य पुरस्कार। इसके बारे में कुछ डिटेल्स, पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकुलिया प्रखंड के बरडी कानपुर की रहने वाली शोभा हांसदा का जन्म 13 दिसंबर 1968 को पश्चिम बंगाल के बेल पहाड़ी में हुआ था। ठीक है, और अपनी पहली कविता संग्रह इनाप कुमकुम का प्रकाशन वर्ष 2014 में किया था। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे रेड पॉइंटेड है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसके कुछ डिटेल्स हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। युवा अभियंता पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार। इनके डिटेल्स है कुछ इस तरह से कि आईआईटी और आईएसएम धनबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी हैं। इनको युवा अभियंता पुरस्कार, ठीक है, 2020 से सम्मानित किया गया है। युवा अभियंता पुरस्कार प्रतिष्ठित भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एकेडमी ने दिया है। ठीक है, इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग ने यह पुरस्कार इनको दिया है, और पुरस्कार के रूप में इनको 1,00,000 रुपए व सर्टिफिकेट ये सब मिलता है। ये सारे डिटेल्स हैं, हम आपको आपके सामने रख दिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे है, राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरी बांध मॉडल, इसको राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका कुछ डिटेल्स, आकांक्षी जिला खूंटी में जिला प्रशासन और सेवा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जल शक्ति से जल शक्ति आंदोलन चलाकर जल संरक्षण के लिए बनाए गए बोरी बांध के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। कौन सा आंदोलन? जन शक्ति से जल शक्ति की ओर। इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खुट्टी के बोरी बांध मॉडल को गत 28 अगस्त को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये इसके डिटेल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम सभा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिलो पंचायत को पुरस्कृत किया गया है। तो गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड का जो कपिलो पंचायत है, इसको एक नहीं दो दो बार विकास को लेकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मूल्यांकन वर्ष 17-18 में राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड के तहत कपिलो के पंचायत मुखिया इंदु देवी को नई दिल्ली में 23 अक्टूबर 2019 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला था। ठीक है, और इस बार 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा अवार्ड भी दिया गया है। तो कपिला पंचायत को एक बार नहीं दो दो बार इसका डेवलपमेंट के लिए इसको पुरस्कृत किया जा चुका है। ये सारे डिटेल्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बाल हितैषी, उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुंडू पंचायत को। ठीक है, तो बोकारो जिला के पेटरवार प्रखंड का बुंडू पंचायत जो है ना, वो एकमात्र पंचायत है जिसे बाल हितैषी ग्राम पंचायत का राष्ट्रीय पुरस्कार से दूसरी बार सम्मानित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड जो है ये दूसरी बार इनको मिला है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार की घोषणा की जाती है, और दूसरी बार झारखंड राज्य के एकमात्र बोकारो जिले का बुंडू पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत अवार्ड
2021 दिया गया है। ये इसके डिटेल्स हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ये तो खैर इजी क्वेश्चन है, सबको जानते होंगे इसका, कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र तिवारी को। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार क्यों दिया जाता है? बेस्ट कोच कौन है? बेस्ट कोच, ठीक है, तो उसके नाम पर द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित एवं टाटा आर्चरी एकेडमी के तीरंदाजी प्रशिक्षक धर्मेंद्र तिवारी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। धर्मेंद्र तिवारी ने देश के कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तीरंदाज दिए हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे जो आर्चर्स हैं इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, उनको कोच किए हैं। ठीक है, तो बेहतर कोचिंग के लिए उन्हें सबसे बड़े सम्मान द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाची मुर्मू को। ठीक है, चाची मुर्मू को हम लोग क्या कहते हैं? लेडी टार्जन भी कहते हैं। ठीक है, और चाची मुर्मू 24 साल से झारखंड के एक छोटे से इलाके राजनगर में पर्यावरण संरक्षण का काम करते आ रही है और 24 सालों में 25 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण और धरती का श्रृंगार कर चुकी है। ये इसका डिटेल से। अच्छा, चाची मुर्मू को ना 1996 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को। नलिनी सोरेन, रामचंद्र चंद्रवंशी और मेनका सरदार को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कहां के विधायक हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, रसफा सिने अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुलमनिया को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, झारखंड सिने अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरोज दुलाड़ को। तो दोस्तों, ये है पुरस्कार और सम्मान से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, अभी के जो करंट अफेयर्स में जो प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्नों को मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा है। तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडवांस पुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।